हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो जहां पर हम आपको पूरा डिटेल देंगे न्यूटन स्कूल पे पोस्ट प्लेसमेंट का, इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट के सारे क्वेश्चंस हम एड्रेस करेंगे। हमने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग न्यूटन स्कूल पे पोस्ट प्लेसमेंट, जहां से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं जीरो फीस के साथ और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के रास्ते पर आप आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट्स में एज वेल एज काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल पूछे थे कि आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें पूरे डिटेल्स में, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कितना पैसा देना होता है आपको जॉब मिलने के बाद, और अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है पर्टिकुलर सीटीसी से तो आपको क्या सिचुएशन बनती है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कॉमेंट करिएगा अपने सवाल, अगर हम कोशिश करेंगे आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए। और फटाफट बढ़ते हैं जो इस बार का टॉपिक है, जो है हमारा रिलेटेड टू इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट एंड द पे पोस्ट प्लेसमेंट। फटाफट बढ़ जाते हैं। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं विदाउट एनी फीस, और अगर आपका सैलरी 5 लाख पर एनम का आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता तो आपको कोई भी अमाउंट उन्हें पे नहीं करना पड़ता। फटाफट समझ लेते हैं, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक पे आफ्टर प्लेसमेंट एग्रीमेंट साइन करना होता है। ये जो प्लेसमेंट एग्रीमेंट है वो कहता है कि आपको कुछ नहीं पे करना अगर आपका मिनिमम सैलरी टारगेट नहीं अचीव होता, बट आपको फ़ीस देनी होगी 36 मंथ्स तक। किस तरीके से आपको देनी होगी ये फ़ीस, सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंटली समझने की ज़रूरत यह है कि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई करा है कि अगर आप देखें तो ज़ीरो फीस है जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, आप कोर्स ख़त्म करने तक आप कोई फ़ीस नहीं देनी होती। आपका जो भी कोर्स का फीस है वो इक्वल पोर्शन में डिवाइड होगा 36 मंथ्स तक, ओनली इफ़ यू गेट अ प्लेसमेंट ऑफ मोर देन 5 लाख पर एनम। अगर आपको उससे कम है तो आपको उन्हें 1 रुपया देने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात है कि टोटल फीस पर भी एक कैप है, मान लो 3 लाख या 4 लाख के आसपास का उनका एक टोटल फी कैप है, वो अगर अचीव हो जाता है आपको तो आपको 36 मंथ्स भी देने की शायद ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए आपको जो भी पैसे देने होंगे प्लेसमेंट के बाद ही देने होंगे, और वो भी आपकी सैलरी से इक्वल अमाउंट्स में डिडक्ट होंगे, छोटे छोटे हिस्सों में। अब फटाफट समझ लेते हैं सारे सवाल जो लोगों के मन में हैं कि अगर मेरा जॉब छूट गया या फिर अगर मुझे जॉब नहीं मिला, तो उनके जवाब हम इस वीडियो में आपको पहुँचाएंगे। यहाँ पर जाते हैं, एक FAQ सेक्शन न्यूटन स्कूल ने बनाया है कि किस तरीके का एग्रीमेंट होगा। यहाँ पर जो एग्रीमेंट बनता है वो बनता है टोटली नो पेमेंट अपफ्रंट के साथ। आप अग्री करेंगे कि जो मेंशन फीस है आपको 36 मंथ्स में देनी होगी। अगर आपको एक मिनिमम गारंटीड CTC यानी 5 लाख या 3 लाख जो भी आपके प्रोग्राम में गारंटीड है वो मिला, और आप 1 साल के अंदर अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया तो आपका ISA एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपका जॉब, पहला जॉब जो है, विद इन 6 मंथ्स भी छूट जाता है तो आपका पेमेंट ऑफ दिस रिटर्न भी पॉज कर दिया जाएगा जब तक आपको नया जॉब नहीं मिलता। और अगर आपको 6 महीने में इफ़ यू कंप्लीट 6 मंथ्स इन योर फर्स्ट जॉब और फिर आप छूट जाता है आपको जॉब, तो आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका अगला हुआ है या नहीं, आपको उन्हें ISA का अमाउंट हर महीने देना होगा। फटाफट क्लैरिटी ले लेते हैं, अगर आपको न्यूटन स्कूल के यहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है तो कब आपको पैसे देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूटन स्कूल ज्वाइन करते हैं और 1 महीने में ही आपका प्लेसमेंट हो जाता है न्यूटन स्कूल के सपोर्ट या विदाउट इट, तो आपको न्यूटन स्कूल को कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका प्लेसमेंट मान लो न्यूटन स्कूल के दौरान होता है, जो कि 1 महीने के बाद है, और 6 महीने तक हो जाता है, तो न्यूटन स्कूल का मानना ऐसा है कि आपको ISA का अमाउंट उन्हें देना है, क्योंकि आप उनके वैल्यू एडिशन से शायद आपका प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पर आ जाता है कि कुछ सवाल जो लोग पूछते हैं कि जॉब से अगर फायर हो गए तो किस तरीके से सिचुएशन बनेगी। यहाँ पर देखिए, आपको अमाउंट जो देने होते हैं एज फीस ड्यूरिंग योर CTC, वो एक 5 लाख पर एनम की सैलरी के बाद ही आपको देने होंगे। अगर आपका सैलरी 4 लाख का या 3 लाख का होता है तो आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लियर किया गया है कि इफ़ यू आर फायर्ड और यू लीव द जॉब विद इन 6 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग, द पेमेंट विल बी पॉस्ट। यानी आपको अगला जॉब नहीं मिल जाता तब तक आपका ISA का जो रिटर्न आपको उन्हें फीस करनी है तकरीबन 3 लाख के आसपास, अलग अलग छोटे हिस्सों में 10,000-15% के हिसाब से, वो आपको नहीं करनी होगी। इफ़ यू कंप्लीट 6 मंथ्स इन द फर्स्ट जॉब एंड देन यू लीव द जॉब और यू आर फायर्ड, आपको आपका ISA कंटिन्यू करके पेमेंट देना होगा। यहाँ पर एक और सवाल है कि जो कैलकुलेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है। इनकम इज कैलकुलेटेड CTC के द्वारा एंड फिक्स्ड अमाउंट जो होता है वो टोटल फीस के इसमें डिवाइड हो जाता है। अगर आपको कोई ऑफर नहीं मिलता मिनिमम CTC का तो आपको 1 रुपया भी उन्हें नहीं देना है।
आप एक साल के अंदर आपका जॉब नहीं लगता इस तरीके का, तो डेफिनेटली आपको एक रुपया भी उन्हें नहीं देना है। न्यूटन स्कूल ने काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम को चेकआउट करिए। टॉप प्लेसमेंट्स लोगों को मिले हैं, साथ साथ में लाइव क्लासेस इंडस्ट्री मेंटर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन के निकल के आती है। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर साइनअप करिए, पूरी तरह अंडरस्टैंड करिए। अगर आपको सही लगता है आपका करियर को किक स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक बैचलर हैं, बीकॉम, बीएससी, बीए या बीसीए भी हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका आईटी बैकग्राउंड हो इन कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा अगर आपके मन में कोई सवाल है रिलेटेड आए से, एंड लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक ज़रूर करिएगा। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन एनरोल एंड चेक आउट दिस कोर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।